भी बहुत अच्छा करते थे क्योंकि वो मेहनत इतनी करते हैं कहीं ना कहीं। और हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारे रेसलिंग फेडरेशन के नेताजी है श्री ब्रिजभूषण जी, वो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं डेली बाय डेली, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बाहर आके देखते हैं कि हमें किस तरह की सुविधाएं चाहिए, हर वो सुविधा हमें दी जा रही है जिससे हमारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन इंडिया की बढ़ी जा रही है। और साई भी हमें कैंप लगते हैं वहाँ बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं जिससे हमारा मेडल टैली ऊपर ही आ रहा है रेसलिंग का। अपने प्रदर्शन के बारे में क्या है? देखो अब जो चीज हमारे पास नहीं है, दुख है उस बात का कि कहीं ना कहीं मैं गोल्ड के लिए नहीं कर पाई, लेकिन अभी जो है हाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में अपना 100% देने की कोशिश का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। कहीं ना कहीं जब हम बाउट लूज कर जाते हैं तो हमारा मेंटली तौर से प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमारे आए हुए कोच साहब है उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मेंटली तौर से तैयार किया कि नहीं अभी हमें मेडल के लिए लड़ना है और जिससे हम मेडल जीत पाए। अच्छा लग रहा है अभी देश के ये क्राउड जो था आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा था, लग नहीं रहा था कि विदेश में खेल रहे हैं? बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा ही लग रहा था कि अपने देश में है, इतने इंडियंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी दुआएं सारी, बहुत अच्छा लगा थी। कोच क्या स्पेशल था आपके हिसाब से हमारे सारे रेसलर्स? स्पेशल ये था बस कुछ कहीं ना कहीं एक हम मैं एज ए बींग कोच थोड़ा सा मलाल रह गए कि गोल्ड में कुछ कमी होगी हमारी, बट हमारा रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, इससे अच्छा रिजल्ट कोई हो नहीं सकता। क्लीन स्वीप क्या हमने? हाँ बिल्कुल किया क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप तो मैं हम तो बींग कोच मैं तो यही मानूंगा कि 6-6 गोल्ड होते तो वो ज्यादा मेरे लिए हमारे लिए क्लीन स्वीप होता, बट सेटिस्फाइड हूँ इन सबके रिजल्ट से। और मैं ये जो पूजा 76 है इसकी जो प्रीवियस जो एक से एक डेढ़ साल का जो इसने टाइम देखा 2 साल का उसके हिसाब से इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। हमने पाकिस्तानी ओपोनेंट्स को यहाँ कई मुकाम पे हराया, किसी को सेमीफाइनल में, कोई राष्ट्रीय का डिफेंडिंग चैंपियन था, ब्रॉन्ज मेडल में तो हमने सभी को धो दिया। देखिए वो एक गेम आप उनकी अपनी एक प्रिपरेशन है हमारी अपनी है, तो हम तो यहाँ से कुछ चाहे हमारे सामने तो वो ओपोनेंट है, जब वो पाकिस्तान में का हो स्पोर्ट्स में हम मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज को देखते हैं कि सामने कौन, हमें ये पता है कि हमारा मेडल का ओपोनेंट है, हमने इससे मेडल छीनना है, तो बस वही करके हम आगे बढ़ते हैं। तैयारी है अपने सरगर्मियों पर लौटने? हाँ बिल्कुल जी, पूरी कोशिश है जी, हमारी जश्न होगा तो अभी पहले तो मुझे लग रहा है हमारे जो नेताजी है हमारे प्रेसिडेंट है शायद उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए अरेंज किया, वो अभी सुनने में आ रहा है, तो अब देखो कैसे जाके पता चलेगा। घर वापसी में किस तरह का माहौल होगा? खुशी का माहौल है जी, अभी से वीडियो कॉल पे देखा है, बहुत खुशी का माहौल है।